अल्लाह जालिम नहीं है, जालिम हम हैं। जब आपका बच्चा आके आपसे ये पूछता है कि अल्लाह को किसने बनाया, बिगर नॉलेज ऑफ एंड हाईएस्ट नॉलेज ऑफ एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू मुस्लिम। जुल्म हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, देखा है रस्ते में जा रहा है, गोली कहीं से चली, लग उसको गई, उसका क्या कसूर था? तो अल्लाह ने हमें जहन दिया, सोचने की सलाहियत दी कि तुम कर क्या रहे हो, दरिंदे हम खुद बनते हैं। कहते हैं माज़ अल्लाह किस तरह के अस्तग़फ़िरुल्लाह गुमराही वाली बातें कर रहे हो, किसने तुमसे ये कहा बातें करने के लिए? पहाड़ों ने नहीं ली, किसी ने नहीं ली, परिंदों मतलब किसी मखलूक ने ली, हमने ली, हम लेंगे जी जिम्मेदारी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्ली शैइन अलीम। रबिशराहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मौजूद नाजरीन भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया और सवाल बड़ा अजीब सा है, और अक्सर ये सवाल हमें अपनी यंग जनरेशन से सुनने को मिलता है, और वो यंग जनरेशन जो है जब हम उसको इस बात का जवाब नहीं दे पाते तो वो पहले ही उनका जो माइंड मेकिंग की गई होती है वो लिबरल एक बना के की गई होती है, एक एथिस्ट बना के की गई होती है, और जब वो हमसे सवाल पूछते हैं हम उसका जवाब नहीं दे पाते तो उनको इस चीज़ को कंफर्म कर दिया जाता है, वो इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ जी ये बात जो उन्होंने की थी वो बात जो थी, या सोशलिस्ट ने की थी वो बात जो थी वो सच है। अब जिस भाई का सवाल आया उसने सवाल पूछा है कि क्या नौज़ बिल्ला माज़ अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ो अजल ज़ालिम है, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह। तो अब इसके बिहाइंड पस मंज़र में जो उसने यानी कि सवाल का जो उसका सवाल है, मैं समझ गया हूँ जो वो पूछना चाह रहा है, क्योंकि ये उसने अपने आप को जाहिर तो नहीं किया कि वो एथिस्ट है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सवाल यूजली वही लोग करते हैं जिनके जहनों में ये है कि दीन कुछ भी नहीं है, नाउज़ बिल्ला खुदा अल्लाह नहीं है, ठीक है दुनिया खुद बनी, खुद ही ख़त्म हो जाएगी, चल रहा है सिस्टम, बस अच्छे बने रहो, इखलाक अच्छा रखो। और जैसे एक वो कॉमरेड, मैं अब इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सवाल है बेसिकली उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ताकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट थी, ताकि मैं चाहता था कि मेरे और भाइयों तक जो आजकल की यंग जनरेशन जो है जो इस मामले में इस जगह पे पहुँच रही है, उसकी आपको एक बात बताऊँ, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे बच्चे अगर आज एथिस्ट बन रहे हैं, लादीन बन रहे हैं यानी कि बेदीन बन रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। क्यों? ये टाइम आना था क्योंकि हमें कुरान से दूर रखा गया, जो हमारी ज़िंदगी की मैनुअल बुक थी, हिदायत की किताब थी, हमें खुद को आती नहीं है, ठीक है हमें पता नहीं है, हम अपने बच्चों को क्या खाक बताएंगे, हमें पता ही नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता ना, जब हमें ही नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि बेटा कुरान में तो ये लिखा है तो आप कैसे यानी कि ये बातें कर रहे हो, ठीक है, या हमने कुरान पढ़ाया होता, अल्लाह की किताब पढ़ाई होती तो उनको भी पता होता कि ये जो आज साइंस जो है, साइंस आज प्रूफ कर रही हो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सारी चीज़ें लिख दी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अलमिया ये है कि हम लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम ही नहीं देते। हाँ नाजरा पढ़वाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिफ्ज़ करवा लेते हैं, वो भी अपने लिए सोचते हैं कि जी हिफ्ज़ कराएंगे अल्लाह के हमारा अजर बढ़ेगा, हमें कुछ भी इल्म नहीं, हम बहुत दीन से बहुत दूर हैं, हम दीन से बहुत दूर हैं, हमने शख्सियत परस्ती को दीन बना लिया जबकि वो हमारा दीन नहीं है। खैर इन शॉर्ट तो कसूर हमारा है, हमने उनको कुरान को नहीं समझने दिया, ना खुद समझा ना अपनी औलाद को समझा रहे हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल, जब आपका बच्चा आके आपसे ये पूछता है कि अल्लाह को किसने बनाया, तो हमारा आगे इसके क्या रख दिया मतलब होता है, हमारे पास जवाब तो होता नहीं है, लाजमी बात है हमने पढ़ा नहीं होता, ना हमने किताब खोल के देखी कुरान की, कुरान को खोल के देखा, ना हमने पढ़ा जो हमें पता चले इन चीज़ों का, ना हमारा वो ईमान का लेवल है, ठीक है अकीदा है जो कि वालदैन की तरफ से मिला है कि हम मुसलमान हैं, जन्नत दोजख का कंसेप्ट नहीं है, आखरत पे बिलीव नहीं है, ठीक है और क्या बस,
तो कहने का मतलब है कि जब बच्चा आके आपसे ये पूछता है कि अल्लाह को किसने बनाया, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। हम पता क्या करते हैं उस टाइम, हम ये करते हैं, हम बकायदा तौर पर उसको डांटते हैं। हम कहते हैं माजल्ला, किस तरह के अस्तगफुरुल्लाह, गुमराही वाली बातें कर रहे हो, किसने तुमसे ये कहा बातें करने के लिए? भाई उसको जवाब दो, उसको बताओ अल्लाह को किसने पैदा किया। ठीक है, तो जब तुम नहीं बताओगे, तुम थप्पड़ मार दोगे या उसको नहीं बताओगे, तो जब वो अपनी एज को पहुंचेगा और यही सवाल उससे कोई कोई एथिस्ट पूछेगा कि भाई बताओ तुम अल्लाह को किसने बनाया, तो उसको याद आएगा कि मेरे बाप ने, एक दफा मैंने उससे सवाल पूछा था तो मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा था और उसके पास भी जवाब नहीं था। इसका मतलब ये जो बात करने वाला बंदा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो क्या हुआ कि तालीम हमने नहीं दी, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हम मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, अल्लाह ने हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। आप देखें को अल्लाह से, मतलब मैं कहता हूँ ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह ने हमें दी। खुदा ना खास्ता किसी ऐसे घराने में पैदा हुए थे कि जिसमें होते ही हम काफिर, ना हमें हिदायत मिलती, ना हम आते तो जहन्नुम में जाते, था ना ऐसा। बहरहाल खैर बात कहीं से, ये मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जो मैंने आपसे आपको बताया है। तो फिलहाल जो भाई का सवाल है कि जी क्या खुदा जालिम है, अब उन्होंने क्यों पूछा ये भी मैंने आपको बताया। उसके बिहाइंड, उनके पीछे ये है कि जो जुल्म हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कहते हैं जी अल्लाह ताला रहम दिल हैं, अल्लाह रहमान है, रहीम है, तो फिर ये सब अल्लाह ताला जुल्म क्यों होने दे रहे हैं? पहले तो एक बात को समझे, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुरान से दूरी है। पहले तो हमने अल्लाह के मैसेज को ही नहीं समझा। देखें ये समझें कि अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई, अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई, अल्लाह को क्या जरूरत थी दुनिया बनाने की। मतलब दुनिया मीन यानी कि ये हमारी जमीन और ये हमें बनाने की जरूरत क्या थी। देखें अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक मख्फी खजाना, छुपे हुए खजाने की मानी थी। अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं एक ऐसी कौम बनाऊं, ऐसी मतलब मखलूक बनाऊं जो कि यानी कि मेरा जिक्र बुलंद करे, मेरा जिक्र करे, मेरी इबादत करे, और मुझे यानी कि मैं मुझे पहचाने कि मैं रब हूं, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि दुनिया बनी इसलिए थी कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा इसलिए किया था कि हम अल्लाह की इबादत करें। क्यों? आप देखें अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखो उसने मौत और जिंदगी इसलिए बनाई ताकि तुम्हें आजमा सके तुम में से कौन अच्छा है अमल में। पहली बात तो आ गई कि यहां है आजमाइशों का सिलसिला। अच्छा, अब उसने ये सवाल पूछा है, इसके बाद एक और सवाल भी देखें, जन्म लेना की बात है कि भाई जब अल्लाह ने जन्नत और दोजख का फैसला ही करना था और अल्लाह ने इंसान की तकदीर में जन्नत और जहन्नम लिख दी, तो दुनिया में आने का फायदा क्या? इसका भी बड़ा सॉलिड सा जवाब है कि भाई अगर वही फैसला होता तो जो लोग जहन्नुमी थे तो पूछते अल्लाह हमारा कसूर क्या है, हमें जो जहन्नुम में भेज रहे हैं। तो अल्लाह ने इसलिए उनको दुनिया में भेजा ताकि ताकि सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने फ्री विल दी, आजादी दी, फैसला करने की आजादी दी। यानी कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से तमाम बनी नौ इंसान बना दी, उसके बाद अल्लाह ताला ने अहदे अलअस्त लिया, आप सूरह एराफ में आप पढ़ेंगे अहदे अलअस्त लिया, फिर अल्लाह ताला ने बकायदा तौर पे पूछा कि कौन जिम्मेदारी उठाएगा इसकी, तो इंसान ने खुद कहा हम जिम्मेदारी उठाएंगे। अल्लाह ने हम पे मुसल्लत नहीं की जमीन की जिम्मेदारी, पहाड़ों ने नहीं ली, किसी ने नहीं ली, परिंदों मतलब किसी मखलूक ने ली, हमने ली, हम लेंगे जी जिम्मेदारी। हम अपनी मर्जी से जमीन पे आए हैं, अल्लाह ने, देखें अल्लाह ने हमसे पूछा है कि भाई कौन उठाएगा ये बोझ, तो हमने कहा हम उठाएंगे। ये चीजें हमें पता इसलिए नहीं चलती क्योंकि हम कुरान को नहीं पढ़ते। हम कुरान को पढ़ें तो हमें पता चले ना कि आज एक सोशलिस्ट, आज एक हमारे नौज बिल्ला हमारे हमारे क्या अल्लाह पे आवाज उठाता है तो हम उसको जवाब नहीं दे पाते। हमारी कुरान से दूरी है, हमारी दीन से दूरी है। हमने अल्लाह का नाम तो जान लिया लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अल्लाह के बारे में कोई हमसे सवाल पूछे तो हम जी वो बस मौलवी साहब ये बता रहे थे, ये बता रहे थे, ये क्या है ये?
तो हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात कि जो जुल्म हो रहा है, ये सब एक आजमाइश है, अल्लाह ने दे दी फ्री विल। अब आप देखें, कभी कभी सोचने की बात है, आप सोचें कि एक इंसान जा रहा है, देखा रास्ते में जा रहा है, गोली कहीं से चली, लग उसको गई, उसका क्या कसूर था? नौज बिल्लाह, हम फौरन कहते अल्लाह जालिम है, देखो उस बेचारे का तो कसूर भी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे यार। बच्चे आपने पालने हैं, बच्चे तो अल्लाह ने पालने हैं, उनकी परवरिश भी अल्लाह के जिम्मे है, आप कौन होते हैं बातें करने वाले? पहली बात, चले खैर, हम इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, उसकी मौत लिखी हुई थी, लेकिन हो सकता है उसने कुछ गुनाह किए हो, कुछ किए हो, जो भी किया हो, लेकिन उसका वो अमल जो है, जो उसको गोली लगी या फॉर एग्जाम्पल उसके साथ वो जुल्म हो गया, वो मजलूम बन गया, और जिसने चलाई गोली वो जालिम बन गया, शैतान की इन्वॉल्वमेंट हो गई एक लम्हे पहले। हो सकता है कि वो, अब देखें इस हदीस, यहां वो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है कि इंसान जन्नत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, बालिश भर दूर रह जाता है, ऐसा अमल कर जाता है जहन्नुम में चल जाता है, इसी तरह जहन्नुम के बालिश भर करीब रह जाता है, ऐसा अमल कर जाता है जन्नत में चल जाता है। तो साहबा ने कहा रसूल अल्लाह, तो फिर हमें अमल करने की जरूरत क्या है जब हमारी तकदीर में लिख दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का इलम है, तुम अपना अमल जो है नेक और साले रखो। तो बात यह है कि नाउज बिल्ला माज अल्लाह, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह ने हमें फ्री विल दी है। अल्लाह ने नहीं कहा कि छोटी छोटी बच्चियों को उठाओ और नाउज बिल्ला उनके साथ माज अल्लाह गलत करो। अल्लाह ने हमें जहन दिया, सोचने की सलाहियत दी कि तुम कर क्या रहे हो, दरिंदे हम खुद बनते हैं, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह बहुत गफूर रहीम। हाँ, टेस्ट अल्लाह ताला, टेस्ट के लिए अल्लाह ने आपको भेजा है, आप अपने टेस्ट में फेल हो जाते हैं जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, आप जुल्म करते हैं, जालिम हो जाते हैं, दूसरा मजलूम हो जाता है, आपके नसीब में जन्नत लिखी होती है, आप जन्नत की तरफ जा रहे होते हैं, अमल ऐसे कर बैठते हैं, आप दोजख की तरफ चले जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये फ्री विल हमें अल्लाह ने दी है, और ये दुनिया का जो चुनाव है ना, कुरान पढ़े तो सही, पढ़ा ही नहीं ना कभी, पढ़ा होता तो पता चलता ना कि ये दुनिया हमने खुद चुनी है अपने लिए। चले हम इसको यूं देख लेते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था ना खाना फल, इंसान थे ना हमारी तरह के, खा लिया ना, फिर आ गए ना इस दुनिया में। तो आज, अच्छा आपकी बात कर रहा हूँ, एक बुक है, उसका नाम जहन में नहीं है, उस बुक में बकायदा तौर पे, वाजे तौर पे एक अंग्रेज ने इस चीज को एनालाइज किया है कि मैं एनालाइज करता हूँ इस चीज को, बताता हूँ कि ये दुनिया जो है ये बकायदा तौर पे इंसान की जगह ही नहीं है रहने की, यहाँ ये किसी सजा के तौर पे है, इंसान जिस जगह पर रहता था उसने बकायदा तौर पे, यानी कि बताया है कि इंसान इस दुनिया का बशिंदा ही नहीं है, यहाँ तो एक सजा के तौर पे आया है, क्योंकि इंसान तो बड़ा नरम मिजाज, इसको नरम मिजाज, इसको तो सोफों पे लेटने, बिस्तरों पे लेटने की आदत, और मुख्तलिफ यानी कि आसाइशों की आदतें, ठीक है, और इंसान तो इस जगह का। तो देखें, आज अंग्रेज इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, काफिर इस चीज को प्रूव कर रहा है। एक बात याद रखिएगा कि लो नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू एथिस्ट, एंड बिगर नॉलेज ऑफ एंड हाइएस्ट नॉलेज ऑफ एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू मुस्लिम, आई गारंट इट। सो अल्लाह जालिम नहीं है, जालिम हम हैं, हम अपनी विल पे इस दुनिया में आए, और हम अपनी विल पे आने के बाद हमने क्या किया, अल्लाह ने हमें फ्री विल दी, हमें आज़ादी दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, सीधा रास्ता दिखाया, गलत रास्ता दिखाया, चुनना हमने। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको आपकी बात समझ। हाँ, कुरान की एक आयत, इस पे मैं आपको, यहाँ कुरान की एक आयत मैं आपको बता देता हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला नब्लुवन्नकुम, और देखो हम तो तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। अब आप देखें, यहाँ आजमाइश की बात हो रही है, आजमाइश के लिए भेजा गया भाई इस दुनिया में, सीधी सी बात है, इसको अब आप जिस तरह मर्जी ले लें, ठीक है, आप गलत समझे जो भी, आजमाइश के लिए भेजा गया, वला नब्लुवन्नकुम, और देखो हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, बिशय मिनल खौफ, खौफ की हालत से, वल जुई फाकों की हालत से, वनक्सी मिनल अमवाल, मालों के नुकसान से, व अनफुसी और जानी नुकसान से, यानी कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, क्या नाम है, भूख की हालत से, खौफ की हालत से, माली नुकसान से और जानी नुकसान से। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुशखबरी दे दो उनको, जब उन पे मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि खुशखबरी दे दो उनके लिए कि जिन पे मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कालू इनल्लाह व इनल्लाह राजून, कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना। तो भाई
उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अल्लाह अज़्ज़ोजल आपको दीन में इस्तकामत दे। देखें, याद रखें कि कुरान को पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, पुअर नॉलेज ना रखें, कोई भी बात सुने उसकी तहकीक करें। मैंने बोला मेरी तहकीक करें। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह ने रस्ते दिखा दिए हैं, अब मर्जी आपकी है, इस वाले पे निकल जाओ, इस वाले पे निकल जाओ। जालिम नहीं है, अल्लाह ने नहीं कहा कि जाओ ये मैंने बच्ची भेज दी है, जाओ नाउज बिल्ला एक छोटी सी बच्ची इसके साथ जाके तुम गलत हरकत कर लो, या फॉर एग्जांपल तुम ये जो इंसान है इसको कत्ल कर दो, या तुम एक एक आदमी के टुकड़े कर दो, तुम ये कर दो वो कर दो, ये अल्लाह ने नहीं। ठीक है, अल्लाह ने तो कह दिया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस फिर पीछे को बात नहीं रहती। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।